शासकीय चिकित्सालय गुना में स्थित आयुष विभाग के सामने चिकित्सालय की सीवेज लाइन डालने के लिए नाली खोदी गई है, जो कि करीब 15-16 दिन से खुली पड़ी है, जिसमें आयुष विभाग में आने जाने वाले मरीज ज़्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं होते हैं। आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं मरीज, वही एक मरीज को चोट भी लगी है। देखा गया कि वहाँ एक बुजुर्ग का पैर फिसल गया था, जिससे बुजुर्ग को काफ़ी चोटें आई हैं। उक्त गंभीर समस्या पर किसी भी जिम्मेदार का कोई ध्यान नहीं है। उक्त समस्या के संबंध में आयुष विभाग प्रभारी डॉक्टर रघुवंशी मैडम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीवेज नाली का कार्य अस्पताल प्रबंधन की देखरेख में किया जा रहा है और उन्हें बताया था कि कार्य 1-2 दिन में हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है। घुटने में दर्द से शुरू हो गया सर। आपके पैर में मतलब चोट लग गई है? चोट कहाँ पे लगी है? जी जी यहाँ पे, यो मुंह से, यो यो पैर आके आया, यो इसको मैंने ये सहारा लिया इसका। उधर से इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम सीवेज का काम कर रहे हैं, तो मेरे से बोला गया था कि सिर्फ 2 दिन में मैं ठीक करके दे दूंगा आपको, लेकिन आज 8 दिन हो गए। मेरे पास पेशेंट कम से कम 60-70 पेशेंट डेली के आते हैं, जिनमें 20-30 पेशेंट बुजुर्ग हैं। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको रोज फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। अभी इसके लिए आपने मतलब सीएस वगैरह से या सीएमएचओ को कुछ आवेदन वगैरह दिया? अब मैं आज उनको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तक वो मेरी बात सुनेंगे, इंजीनियर साहब वो काम कर देंगे, लेकिन अभी मैं